तो दोस्तों मुझे तो वैसे भी निब्बा निब्बी चुन्ना चुन्नी और बच्चा बच्चियों से वैसे भी थोड़ी सी दिक्कत रहती है उनकी उल्टी सीधी हरकतों की वैसे, और ये वाली बच्ची तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, पैंट में सुसु पोटी करके माँ बाप का सुख चैन चुराने की जगह ये बच्ची अपनी मम्मी का सिंदूर चुराती है। और अब इसने कर दिखाया एक नया करिश्मा, इसने मेरी रोस्ट वीडियो पे रिप्लाई दिया है। दोस्तों आपको यह पता है कि रजत पवार भैया ने ना मेरा रोस्ट करा है। अरे पर मेरी छोटी कटोरी से बनाई हुई पूड़ी, तुम मेरी रोस्ट वीडियो का रिप्लाई कर रही हो या मेरी वीडियो का प्रमोशन? बाकी और लोग भी देख ले जाके जिनने ना देखा हो। ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा रोस्ट करा है, कभी एक के बाद एक, कभी एक के बाद एक। यार बेचारी छोटी सी क्यूट सी बच्ची है, पर मैं भी क्या करूं बहन, तुमने तारीफ करने वाले काम ही नहीं किए तो रोस्ट ही करना पड़ा। और ना कभी आपको कुछ पता है दोस्त, आप कुछ देखते भी हो? भाई अब तो डर लग रहा है मुझे, धीरे धीरे पिच हाई हो रही है बहन, थोड़ा डर लगता है मुझे बच्चों से देखना, थोड़ा आराम से रिप्लाई देना प्लीज। मेरा ना रजत पवार भैया ने रोस्ट कराया। अरे हाँ बेटी लाल, अब यहाँ शरीर कांप रहा है डर के मारे, आगे भी बोलो। मतलब वो मेरा मजाक उड़ा रहे, पर फिर भी वो मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि वो मेरा रोस्ट कर रहे हैं। खुशी हो रही है, गलत वीडियो देख ली क्या? पर बहन खुशी तो वैसे मुझे भी होगी अगर आप ये सिंदूर बिंदूर लगाना छोड़ के स्कूल जाना शुरू कर दे तो। रजत पवार भैया का और रोगी भैया का ना मैं थैंक यू कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा रोस्ट किया है। मैं तो यहाँ पे डर के मारे कांप रहा था, इसने तो थैंक यू बोल दिया, इसका तो रिप्लाई देना आता ही नहीं है ना, नक्को बिल्कुल नहीं। पर वो सब तो ठीक है क्यूंटी, तुमने प्यार से सबको पिघला दिया, पर ये सिंदूर क्यों लगाती हो ये भी बता देती तो और अच्छा लगता। ये बहुत अच्छा सिंदूर है और ये 20 रुपए का मिल रहा था तो हम लिए। अरे ये थाम्बा थाम्बा, बहुत अच्छा लग रहा था तो ले आए का क्या मतलब होता है? मेरे छोटे पिकाचू की पूछ, हर जो चीज अच्छी लगती है वो लाई नहीं जाती। अब मुझे रस्ते में कहीं अच्छा पेटीकोट मिल रहा होगा तो क्या उसको लेके आ जाऊं, पहनने लगू, उसको पहन के ठुमके लगाऊ रील पे? मतलब देखो भी तो कि सामान अपने लायक का है या नहीं, ऐसा थोड़ा ना कि अच्छा लगा ले आए। बाकी अर्ज किया है, घास चरती है गाय, चना खाता है घोड़ा, घास चरती है गाय, चना खाता है घोड़ा। बहन तुमने मोबाइल बहुत चला लिया, अब दिमाग भी चला लो थोड़ा। नोटी होगा के बहन के। मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि मैं सिंदूर क्यों लगाती हूँ और सब लोग सिंदूर पे क्यों रुकते हैं, बता रही क्यों, सिंदूर को देखते रहते हैं पूरे दिन, तो मैं आपको बता दूंगी मैं क्यों लगाती हूँ सिंदूर, ठीक है? आगे बताऊंगी। नहीं इसने आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं नहीं बताया, ना नको बिल्कुल नहीं। पर मैं बता देता हूँ, इसकी मम्मी इसको सिंदूर लगवाती है ताकि इसकी वीडियो पर व्यूज आए, और अगर मान लो कि वो नहीं भी लगवाती है तो वो इसको रोकती भी नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आजकल के पेरेंट्स का गोल हो गया है पैसा। नॉर्मली पहले पढ़ाई में कॉम्पिटिशन होता था कि बच्चा जितना पढ़ेगा, जितने अच्छे मार्क्स लाएगा, उतनी अच्छी जॉब लगेगी, बाद में पैसा कमाएगा, और अब बचपन में ही सोशल मीडिया की वजह से ये कॉम्पिटिशन हो जाता है कि बच्चा तो बचपन में ही पैसे कमाया जा सकता है। ये देखो थंबनेल भी डाला था कि इतनी सी बच्ची ने कमाए 40,000 रुपए, पर इन सब चीजों के चक्कर में बेचारे बच्चे अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते, और ऊपर से सोचे इस बच्ची के सर पे रोज सिंदूर लगाया जाता है, उसकी जो स्कार्प है वो अभी इतनी मजबूत नहीं होगी, वो डैमेज हो रही है, ये जल्दी से बाल झड़ने लगेंगे बेचारी बच्ची के, और अगर किसी वीडियो में उसको पूरी दुल्हन बनाया जा रहा हो, पूरा गेटअप दिया जा रहा हो शादीशुदा लड़की का, तो चलो चलता भी है, जिस वीडियो में सिंदूर की जरूरत नहीं है ये लोग वहां भी लगा देते हैं। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको ये सिंदूर लगाने की या एक्स्ट्रा हरकतें करने की जरूरत नहीं है फेमस होने के लिए, वो वैसे भी हो जाएगा, और अगर ये सब हरकतें करनी पड़ रही है तो ये फील्ड उसके लिए नहीं है, भले ये आज गिरेगी या फिर बाद में गिरेगी, क्योंकि ये इस फील्ड के लिए लंबे रेस का घोड़ा नहीं है। और इसके अलावा तो और भी बच्चे आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे मुंह से बड़ा चश्मा लगा के बदमाशी करने, फिसला मैदान में होगा हम तू ना देंगे तेरे को मारने, और तू जब भी लड़ने की इच्छा हो आ जाना, हम तू ना डरते है डार्लिंग। वार्निंग वार्निंग की छोड़, पापा के एक तमाचे में अपने दूध के दांत खो देगा, और घर जाके दूध पी के सो जा, वरना मम्मी ने डांट दिया तो बिन बात के रो देगा शहर में। और भाई एक तो ये हर डायलॉग मारते वक्त रोता क्यों रहता है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। बेटा जिस दिन भी तू मिल गया ना फेस टू फेस, तो तेरे घर वाले भी यही बोलेंगे डॉक्टर साहब प्लीज बोलो ये इमरजेंसी केस। रोना बंद कर, बना के अपना चूहे जैसा फेस, बदमाश बाद में बनना, पहले बड़ा हो जा, क्योंकि तुझसे तो बड़ी है मेरे जूते की लेस शहर में। और भाई साहब हमारे मध्य प्रदेश में ये अकेला बदमाश नहीं है, और बहुत सारे बदमाश तो ऐसे बदमाश है कि उनकी बदमाशी देख के असली बदमाशी को शर्म आ जाए। 10 के सने 5 के सेव जारिया के तेर में भी रख के दूं शहर में। 5 का धनिया 10 का पुदीना तू वैसे भी गिर जाएगा, और कर दूंगा थोड़ी सी गुदगुदीना शहर में।
पर दोस्तों कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितना प्रेशर रहता होगा इन बिचारों के ऊपर, सीधा कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ अगर बोलना हो तो पहले दिमाग में उसकी राइमिंग बनाओ फिर बोलेंगे, ताकि पूरी जम पाए, बाद में शहर में बोल पाए। और आधे टाइम तो ऐसा लगता भी नहीं है कि कुछ बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि सेव और चने बेचने निकले, 5 की चीनी 10 की सेव। और हमारे इधर के बदमाश तो फिर भी ठीक है, एक है पाकिस्तान का भीगा हुआ चना जो कि कटोरे में से भाग गया पानी छोड़ के। मेरे हाथ में ये मस्कारा है, कोई लाइनर तो नहीं? अबे थम्बा, ये मेरे को लिपस्टिक जैसी क्यों दिख रही है? पर और ये हरे कलर की लिपस्टिक लगा के कौन सी लड़की तोता बन के घूम रही थी जिसकी तूने लिपस्टिक चुरा ली? पर उस बिचारी का तो ठीक था, वो तो बिचारी होठ पर ही लगाती, ये तो आईब्रो पे लगा के बालवीर का पंछी चुड़ैल बनने की कोशिश कर रहा है। मेरे हाथ में ये मस्कारा है, कोई लाइनर तो नहीं? इसे आप लोगों को लगा दूं? आप लोगों को कोई मसला तो नहीं? आउ, आउ, आउ। मेरे घर के सामने गिट्टी पड़ी है, कोई कचरा तो नहीं? मेरे घर के सामने गिट्टी पड़ी है, कोई कचरा तो नहीं? मन करता है पूरा कचरा तेरे ऊपर डाल दूं, कहीं तू पाकिस्तान का तसला तो नहीं? और एक तो आखिरी में इस पोकेमोन को ना जाने किस पोकेमोन बेटल की याद आ जाती है कि अंदर का जानवर बाहर आ जाता है, जिसको बाहर आने से वो रोक ही नहीं पाता। ऐसा लगता है मिथुंदा ठुमके लगा रहे हैं जिसके लिए ये बीट दे रहा है। गाइस ये जो मेरी वीडियोस पे बैड कमेंट्स करते हैं ना, इन्हें लास्ट वार्निंग है। भाई साहब आजकल तो सभी बदमाश हो गए, डर के रहना पड़ेगा क्या? रोस्टिंग वोस्टिंग का धंधा बंद करना पड़ेगा? भाई मेरे को बहुत डर लग रहा है, इससे पहले कि हक दूं मैं यहीं कहीं, मुझे जल्दी से बता दे कि तू करवाएगा क्या? लास्ट वार्निंग तो वैसे भी दे ही दी है तूने। अब अगर किसी ने बैड कमेंट्स किए ना तो मैं अपना आइटम ठुमका लगा के तुम लोगों को भस्म कर दूंगा, अंडरस्टैंड? अगर इतना हिलेगा तो हम भस्म होना हो, तू लुप्त जरूर हो जाएगा, समोसे के साथ फ्री मिलने वाली हरी कलर की चटनी। और ये तो बस वार्निंग ही देता रह जाता है, असली बदमाश तो इंस्टाग्राम पे घूम रही है। बदमाश ने इंदौर वाले चलाते गोली और उज्जैन वाले मारते लाठ और देवास वाले देते झापाट बदल लेते भेस। बदमाशी की बात आती है ना तो सबसे टॉप पर आता है मध्य प्रदेश। दोस्तों मैं भी मध्य प्रदेश से हूँ और इन लोगों की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ दिल से। हम मध्य प्रदेश के लोग बहुत प्यारे और सभ्य होते हैं, वो तो हम लोगों में से कुछ 4-5 ऐसे चींटे निकल जाते हैं गेल गचोले से, जो कि ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके हम सबकी नाक कटवा रहे हैं, जिनको मध्य प्रदेश की स्पेलिंग तक नहीं आती। स्पेलिंग तो सीख लो मध्य प्रदेश की मतलब, और वो तो यहाँ पे दो लोगों ने मिलकर डायलॉग बांट लिया था, वरना हमारी बदमाशन जब डायलॉग मारने पे आती है ना तो सांस भी नहीं लेती। शहर में छोटी सी उम्र में बहुत दुश्मन बना रखे, सब्र तो करो महोदय, हमने भी कुछ सामान छुपा रखे। और क्या कहते हो कि हमारे साथियों को मारोगे? याद रखना हमारे साथियों ने भी कई बदमाशों को गिरा रखे शहर में। अरे सांस ले ले मेरी बहन, वरना तेरे सामान छुपे के छुपे रह जाएंगे, क्योंकि तू तो होगी नहीं ना फिर बताने के लिए। और ये कौन से बदमाश है जिनकी बदमाशी की रीले बच्चों के पार्क में बन रही है? और हाँ मेरी जान, मैं भी रिप्लाई दूंगा रिप्लाई। तो हम भी सस्ते खेल नहीं खेलते, खेलते हैं सिर्फ महंगे। हम भी सस्ते खेल नहीं खेलते, खेलते हैं सिर्फ महंगे। तुम्हारे सामान की बात अगर पीछे अंकल आंटी ने सुन ली तो तुम्हें भी तुम्हारे सामान के साथ ही छुपा देंगे। अरे वो तो बोले ही नहीं शहर में, अरे सॉरी पार्क में। टेने ने ने। और एक और पोएट है हमारे पास जो कि एटलीस्ट 3 महीने तक तो न्यू ईयर मनाता ही मनाता है। ठंडा लगे या गर्मी, कभी रुकना नहीं है, 2024 कभी दुखना नहीं है। अरे हाँ ठीक है, मेरी पुंगी में फंसी हुई चुंबक इतना चिल्ला क्यों रहा है? नहीं रुकेंगे 2024 में, नहीं रुकेंगे, ठीक है, ओके। दूध देंगे ना खींचेंगे नया साल में आप लोगों को हैप्पी मुबारक देंगे। हैप्पी मुबारक, नई मिठाई आई है क्या न्यू ईयर पे बांटने के लिए? ये क्या क्या बांट रहा है हैप्पी मुबारक? पर यार मुझे तो दूध और खीर ही चाहिए थी यार, ये तेरा हैप्पी मुबारक तू तेरे पास ही रख। पतीले में दूध, दूध में मलाई, नए साल में आप लोगों को दिल से 2024 का बधाई। तो फट गया दूध, कुत्ता चाट गया मलाई, फट गया दूध, कुत्ता चाट गया मलाई, अब न्यू ईयर खत्म हो गया, अब जाके कुछ काम कर ले मेरे भाई। हैप्पी न्यू ईयर 2024। भाई तू न्यू ईयर विश कर रहा है, भगा रहा है 2024 को कि आ मत जाना गलती से। कैसा 2024 है जो गंदे VFX के साथ धरती फाड़ के निकल रहा है? टमाटर गिरा मंडी में, नया दर्द मुबारक हो ठंडी में। अरे बस कर यार, मंडी के टमाटर की वहाँ की छिली हुई मूंगफली कितना कितना न्यू ईयर मनाएगा बेचारा? न्यू ईयर भी तेरे को देख के डर गया है अब कि गलत आ गया क्या, ज्यादा जल्दी आ गया क्या, इनको मनाने का मौका नहीं मिला क्या, डरा हुआ है वो बेचारा कि वापस चला जाऊँ क्या? ओए जाने मन। अरे मेरी जाने तमन्ना, तुम कहाँ से जाती हो बार बार बीच में अपनी प्यार मोहब्बत की बातें लेके? ओए जाने मन, दिल से महसूस करके तो देखो मेरे अच्छे आपके दिलो दिमाग में रुकने लगेंगे। जाने मन, जब से आपने मुझे जाने मन बोला है ना, मेरे दिल ने सोचना और मेरे दिमाग ने महसूस करना दोनों ही बंद कर दिया है। अब तो मेरी जान और मन दोनों का पीछा छोड़ दो और मुझे जाने मन बोलना बंद कर दो प्लीज, क्योंकि मेरे जान और मन को भी तो जिंदा रहने का हक है ना यार। धीरे धीरे दिल में मोहब्बत फिर जगने लगेगी।
अब आपसे क्या छुपाना, गुस्सा तो आता है पर थोड़ा थोड़ा नहीं, वो ज्यादा आता है थोड़ा सा। और ये सब तो अपन प्यार मोहब्बत की बातें बाद में निपटा लेंगे, मुझे बताओ पीछे कौन पदोड़ा है जो जब से रंग बिरंगे गैसेस छोड़ रहा है पीछे से, धुआं धुआं है। मैं तुम्हारे प्यार में ऐसे दीवानी हो गई कि अब मुझे लोग पागल कहने लगे। अगर लोग बोल रहे हैं तो सच ही होगा दीदी। बाकी ये सब बातें छोड़ो, मुझे बताओ ये कौन सी दुनिया में रहती हो जहाँ पे पीछे सूरज हमेशा आधा ही डूबा रहता है, इसको पूरा डुबाओ बेचारे को कभी। हम पागल तो नहीं है, फिर भी ना जाने क्यों पागल पागल सा लगने लगा है। ये क्या पागलों जैसी बातें हैं, और दीदी पागल होना हो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा इनके चक्कर में, ये सोचती कैसे है दीदी ये सब। और एक तो बेचारी सबको प्यार से बाबू जाने मन बोलती है, और कमेंट में सब लोग उसको इतना बुरा बुरा बोलते हैं, बड़ा मुंह छोटी बात, डायनासोर की छोटी बेटी, पिकाचू की बड़ी मम्मी, ये कोई बात होती है? एटलीस्ट बेचारी दीदी बदमाशी तो नहीं कर रही इंटरनेट पे ऐसी बदमोशी। हाँ बहन तुम्हारी बराबरी पे आ भी कैसे सकते, अपनी हाइट आधी काटनी पड़ेगी ना, वो मुझे पसंद नहीं है। और ये जुल्फों के नाम का पर्दा कौन लटका के घूमेगा अपने सामने तुम्हारी बराबरी पे आने के लिए। सुन बेटे आड़ा टेढ़ा मत चल, चल सीधा अपनी लेन में है नी, और जितना बड़ा तू है तुझे तो उड़ा देंगे बिठा के कागज के प्लेन में, शहर में, शहर से बाहर उड़ जाएगा तू। मतलब सही बताऊं तो इसकी उम्र में मम्मी मुझे बालकनी के पास भी नहीं जाने देती थी, बोलती थी बेटा तू छोटा है वहाँ पर खतरा है, और वहाँ पे खतरा होना हो पर मेरे चैनल पे भी खतरा है दोस्तों, वीडियो जो है वो लोगों के पास पहुँच नहीं रही है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। और जिनने सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, किसका इंतजार कर रहे हो? बाकी मैं तो चलता हूँ, टाटा बाय बाय। मम्मी मैं जा रहा हूँ बदमाश बनने, क्या मतलब है, पेंट में मूतूंगा तो चड्डी खुद धोनी पड़ेगी।